तो हम लोगों ने कल पढ़ा था, कल से शुरू किया ना चर्चा करना मानव में व्यवस्था। तो दो वास्तविकताएं मानव के बारे समझ में आए कि मानव में शरीर भी है और स्वयं है। क्यों समझ में आई? जल्दी आओ, क्यों समझ में आए कि मानव में दो वास्तविकताएं हैं? क्योंकि शरीर की आवश्यकताएं अलग है, स्वयं की आवश्यकताएं अलग है। जैसे खाना खाना है, कपड़ा पहनना है, गाड़ी के लिए मोबाइल, ये शरीर की आवश्यकता, सम्मान विश्वास स्नेह सुख ये स्वयं है। शरीर की जितनी आवश्यकता है वो ना उसमें मात्रा की बात हो सकती है।
शरीर अंदर भी बाहर उनको बच्चे भी कह रहे हैं, बाहर तो दिख रहे हैं उनको, जैसे आप देखेंगे तो फेफड़ा है, जैसे फेफड़ा है और जो सांस की नली है, ये सब आपस में एक सामंजस्य में एक तालमेल से काम कर रहे हैं। किडनी है, ये सब अंग आपस में एक दूसरे से मिलजुल के काम कर रहे हैं कि अपने इधर उधर भाग रहे हैं, आपके शरीर में कितनी हड्डियां होती है मालूम? 206 हड्डियां। ये 206 की 206 हड्डियां व्यवस्थित है, व्यवस्था में है आपके शरीर में। देखे तो कितने छोटे छोटे अंग हैं, प्रत्यंग हैं, फेफड़ा है, किडनी है, लीवर है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, वो सब भी एक दूसरे के साथ व्यवस्था में। आप देखेंगे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा प्राण कोशा का योजना, नहीं पढ़ा होगा, अब आगे पढ़ेंगे नवी क्लास में जाके उस पर ध्यान देंगे। ऐसे देखेंगे ना, तो सिंपल बात है, ऐसे देखिए अगर ये शरीर की जो व्यवस्था है 206 हड्डियां और ये सारे अंग, ये व्यवस्था आपको करनी पड़ती है कि शरीर बना बनाया व्यवस्था में आपको मिलता है? ये 206 हड्डी आपको रोज सुबह उठ के जोड़नी पड़ती है, तो जुड़ा हुआ है ये सारे किडनी लीवर फेफड़ा सुबह उठ के सेट करना पड़ता है, ये सब सेट है, तो व्यवस्था बनानी पड़ती है कि व्यवस्था बना बनाया मिला है? ये 206 हड्डियां रोज सुबह उठ के सेट करनी पड़ती, स्कूल आते समय घर फोन करके लगता है पापा जल्दी में भाई की हड्डी जोड़ के आ गए। आप किसी दोस्त के यहाँ जाते लौट के फोन करते, देखो लगता है किडनी कम है, तुम्हारे यहाँ तो नहीं छूटा, कितने कठिन हो जाते हैं ऐसा नहीं, जैसे आप सांस लेते प्यास भी लगती है, पानी आपको याद करके पीना पड़ता, सांस आपको याद करके नहीं लेना पड़ता, अगर याद कर करके सांस लेना पड़े तो आप एकदम दम घुटने लगे और कहें दम घुट रहा क्यों घुट रहा पता नहीं, तो पड़ोसी बोलेगा देखो सांस लिया कि नहीं लिया, लेकिन एक व्यवस्था बनी हुई है आपका सांस लेना व्यवस्थित मिला है सर, इतना व्यवस्थित शरीर से हम लोगों ने कहा है कि जंगल के पशुओं को भी मिलता है, पूरी शरीर की आत्मा बचपन से लेके बड़े होने तक बुढ़ापे तक इस शरीर की व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी, शरीर हमारा है तो जो व्यवस्थित शरीर बचपन से बना बनाया प्रकृति ने हमको दिया है, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ क्या है कि बनी बनाई व्यवस्था बिगड़े हम उसको बनाए। जैसे अगर आप कभी सड़क पे घूमते हो पशु को देखते हैं कुत्ता बीमार को भी पड़ता है, जब वो बीमार पड़ता है तो सबसे पहले खाना छोड़ देता है, फिर उसके बाद में कोई घास खा के रूठ ही करता है, पेट खाली करता है और अपने को ठीक कर लेता है, शरीर को व्यवस्थित कर लेता है। जंगल में देखे तो कितने जानवर होते होंगे, सब अपने शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रख पाते, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है जो व्यवस्थित बना बनाया शरीर मिला है उसके शरीर की व्यवस्था को बनाए रखना। पूछो ना जिम्मेदारी से आप उत्तर, हम पूरे शरीर यात्रा बचपन से बोलते हैं, हम अपने शरीर की बनी बनाई व्यवस्था को बनाए रखने में मानव अधिक सफल है कि जंगल के पशु? हम अपनी 20 साल की पढ़ाई लिखाई का क्या करें, जंगल का पशु ज्यादा अच्छे से अपने शरीर को व्यवस्थित रख पा रहे, हम वो भी कर पा रहे, 18 साल 20 साल पढ़ाई कर रहे हैं तो मिनिमम काम है कि कम से कम अपने शरीर की व्यवस्था को। अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे, इतना पढ़ाई लिखाई इतना पैसा इतना सुविधा बिताने के बाद इसलिए नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे अंदर शरीर को लेकर के संयम का भाव, संयम का भाव से क्या मतलब है कि मैंने खुद ने जिम्मेदारी स्वीकार रखी है कि मैं अपने शरीर के पोषण ही करूंगा, मैं अपने शरीर का संरक्षण ही करूंगा, रक्षा ही करूंगा, शरीर का सदुपयोग ही करूंगा, तो ऐसा भोजन करूंगा जिससे शरीर का पोषण, ऐसे कपड़े ऐसे घर बनाऊंगा, ऐसे कपड़े पहनूंगा जिससे शरीर का संरक्षण हो, सुरक्षा, ऐसे ऐसे साधनों का प्रयोग करूंगा जिससे शरीर का सदुपयोग, ये जिम्मेदारी मेरा शरीर स्वस्थ है डॉक्टर की है कि मेरी, ये मैंने स्वीकार रखी है, तो खाते समय
ध्यान रखूंगा कि कितना खाऊं क्या खाऊं जिससे शरीर का स्वास्थ्य बना रहे। अभी ये बात ध्यान में रखे खाते हैं कि स्वाद में क्या अच्छा लग रहा है क्या अच्छा नहीं लग रहा ये ध्यान में रखे खाते हैं। जैसे मैं अपने बेटी के बारे में बताने लगी वो ना मम्मी से झगड़ा करके आलू खाते उसको जितना आलू जो रोज आलू दे दीजिए उसको कोई दिक्कत लेकिन अगर आपने उसको ग्रीन वेजिटेबल दे दिया तो बस जैसे इसने कहा सुन ऐसे वो भी करती है शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ग्रीन वेजिटेबल भी आवश्यक है या खाली आलू से बना रह सकता है आलू भी खाएंगे और स्वास्थ्य के लिए ग्रीन वेजिटेबल भी खाएंगे दोनों काम करते हैं ना या खाली स्वास्थ्य के लिए आलू खाएंगे और वेजिटेबल आ जाएगा तो लगे उधर अभी देखिए अगर आप खाली आलू ही खा रहे हैं ग्रीन वेजिटेबल तो धक्का देकर किनारे कर दे रहे हैं संयम का भाव है नहीं छोटे छोटे संयम का भाव होगा तो उतना ही खाएंगे जितना शरीर पचाने के लिए दवा की जरूरत आवश्यकता से अधिक सुविधा के उत्पादन या उपलब्धता का एक काम था आवश्यकता को पहचानना तो जो आवश्यकता सीमित है उसको पहचानना जैसे मैं दो रोटी खाता हूँ लंच में दो रोटी खाता हूँ डिनर में तो चार रोटी एक दिन में खा रहा हूँ तो एक महीने में 24 रोटी खा रहा हूँ इतना ही तो होगा पार्लर में देखेंगे तो 120 को 12 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1400 कुछ रोटियां पाव तो 1400 कुछ रोटियां कितने किलो गेहूं का बन जाएगा तो वो हो सकता तो मैं बता सकता हूं साल भर में इतना गेहूं है साल भर में इतना चावल खाऊंगा इतना दाल खाऊंगा एक साल का कैलकुलेट हो सकता तो पूरे 80 साल 90 साल जीऊंगा तो पूरा कैलकुलेट हो सकता और प्रति वर्ष मेरे खेत से इतना उग जाता है या मैं इतना कमा लेता हूँ कितना खरीद सकता हूँ तो मेरे पे जो भाव आएगा मैं मेरी आवश्यकता से अधिक है क्या ले रहा हूँ किसी भाव को क्या नाम देंगे समृद्धि का जितना मैं खा सकता हूँ उससे अधिक क्या ले रहा हूँ ये मेरे लिए कैसा भाव है समृद्धि का। आप किसी को दो रोटी खिलाने में कोई कठिनाई नहीं क्योंकि मेरे पास आवश्यकता से अधिक मुझे लगता है शरीर की सुरक्षा के लिए 20 रोटी करने की आवश्यकता 25 मेरे पास है तो 5 मेरी आवश्यकता से अधिक यही मेरे लिए कैसा भाव है शरीर की सुरक्षा की दृष्टि से अगर कपड़ों को देखे तो कितने लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पास शरीर की सुरक्षा के लिए कितने कपड़े चाहिए उससे अधिक कपड़ा शरीर की सुरक्षा की दृष्टि से सम्मान पाने की दृष्टि से नहीं शरीर की सुरक्षा की कितने लोगों को लगता है
इतने लोगों को समृद्धि का रखता है। कितने लोगों को रखता है कि शरीर की सुरक्षा के लिए जितने जोड़ी जूते चप्पल की आवश्यकता है उससे अधिक उनके पास सम्मान नहीं। सम्मान से जोड़ते हुए लोग होते हैं शरीर की सुरक्षा के लिए दो जोड़ी चार जोड़ी जितने जोड़ी का जूते की आवश्यकता है चप्पल की आवश्यकता उससे अधिक उनके पास कुछ लोगों के पास बाकी लोग और करें एक्सरसाइज तो दिया है उसको ये देखेंगे तो समृद्धि का ठीक है। ट्राई करेंगे ब्रेक करेंगे बात करते हैं।